हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन लाइव चैनल में। मित्रों, आइए हम आगे चलते हैं चैप्टर 8.2 के प्रश्न संख्या 2 का रोमन 3 को हल करते हैं। दोस्तों कह रहा है, दोस्तों साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। मित्रों आप सब जानते होंगे ए बराबर बी, अर्थात ए को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात इसे बोलते हैं हिंदी में बायां पक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायां पक्ष। और इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड, यह होता है आपका दायां पक्ष। उसी प्रकार दोस्तों आइए हम हल करते हैं दूसरा नंबर। दोस्तों यहां से तीसरा नंबर डाल सकते हैं आप लोग। हल में लिखें दोस्तों दिया है। मित्रों यह चीज जो दिया है दोस्तों प्रश्न, यह पेपर में छपा ही आएगा। और यदि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आए दोस्तों, तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक साइड लगाकर, अर्थात ट्रिक की मेथड लगाकर दोस्तों आपको ऑप्शन चुनना है। लेकिन यही प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का आता है, तो इसे आप लोग को बेसिक मेथड से हल करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों आइए अब इसे हल करते हैं। मित्रों इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 2a एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 साइन a। मित्रों हम ले लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन, जब a बराबर 0 डिग्री, और चेक करते हैं कि क्या हमारा 0 डिग्री ए का मान बैठाने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं। दोस्तों हम लिखेंगे लो नाउ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। मित्रों इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a, क्योंकि दोस्तों 2 गुणे a को लिख सकते हैं आप 2a, या इसे लिख सकते हैं आप 2 गुणे a, अर्थात या a गुणे b को लिख सकते हैं दोस्तों b गुणे a। उसी प्रकार मित्रों साइन 2a को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू में है दोस्तों 2 साइन a। अब हम a का मान 0 डिग्री बैठाएंगे दोस्तों, 2 यहाँ दोस्तों गुणा है, गुणा कर देंगे, साइन a का मान 0 डिग्री है दोस्तों, अब हम यहाँ a की जगह बैठा सकते हैं इज इक्वल टू 2 साइन a का मान दोस्तों दिया है 0 डिग्री, हम बैठा सकते हैं 2। जैसा कि आप सब जानते होंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है, 2 गुणे साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है 0 इज इक्वल टू 2 गुणे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 0। दोस्तों 2 में गुणा के 0 का तो कितना आएगा रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 2 में गुणा होगा 0 का तो आपका 0 आएगा। दोस्तों इस प्रकार यह मान लेफ्ट भी और राइट भी दोनों ओर 0 आया दोस्तों, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों ओर दोस्तों 0 आया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अर्थात ए हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है टू टेन टी डिग्री अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टी डिग्री, और दोस्तों ऑप्शन दे रखा है कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री एंड साइन टी डिग्री। दोस्तों आइए हम लोग हल करते हैं इसे। दोस्तों यहां से लिख सकते हैं टू गुने टेन टी डिग्री का मान दोस्तों होता है एक बटे में रूट थ्री अपॉन वन माइनस टेन तीस डिग्री अर्थात एक बटा में रूट थ्री स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। मित्रों दो में गुणा होगा एक का दो अपॉन रूट थ्री अपॉन वन माइनस, दोस्तों एक बटा रूट थ्री का स्क्वायर है एक गुणे एक अर्थात एक, और रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री गुणे रूट थ्री तितली के नौ, नौ का गुण दोस्तों तीन हो जाएगा। इसके नीचे क्वेश्चन दोस्तों एक लगा सकते हैं, दो बटे में रूट थ्री अपॉन तीन और एक का लसो दोस्तों तीन हो जाएगा। एक से तीन में भाग दीजिएगा तीन बचेगा, तीन में गुणा कीजिए एक का आपका रिजल्ट बनेगा तीन, माइनस तीन में तीन का भाग दीजिएगा दोस्तों एक बार में कटेगा और एक का गुणा होगा एक में एक आएगा दोस्तों। मित्रों लिख सकते हैं दो बटे में रूट थ्री गुणे तीन चला जाएगा ऊपर और तीन में से घटा दोस्तों दो हो जाएगा। दोस्तों दो दो कटा सकते हैं हम लोग। अब इसे लिख सकते हैं तीन बटे में रूट थ्री। मित्रों तीन को हम लिख सकते हैं रूट थ्री गुणे रूट थ्री, क्योंकि तितली के नौ, नौ को रूट क्या होगा दोस्तों तीन, यानी तीन को हम लिख सकते हैं मित्रों रूट थ्री गुणे रूट थ्री। दोस्तों यहाँ बैठा सकते हैं ऊपर में रूट थ्री गुणे रूट थ्री अपन हो जाएगा रूट थ्री। दोस्तों आप कटा सकते हैं रूट थ्री से रूट थ्री आपका बचेगा रूट थ्री, और दोस्तों रूट थ्री ऑप्शन में से कौन हो जाएगा तो आपका सी आंसर होगा दोस्तों, यानी टेन 60 डिग्री का मान रूट थ्री के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। मित्रों एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आप सभी को प्लेलिस्ट में जाना चाहिए अभी, और आप सभी को हम परसेंटेज अर्थात जो बच्चे रेलवे एसएससी सीजीएल बैंकिंग आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे सब एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर रोजाना पढ़ सकते हैं दोस्तों, और पार्ट फोर आप लोग को लाएंगे पार्ट फाइव सिक्स सेवन। दोस्तों आधुनिक युग के प्रश्न जो परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, यदि परसेंटेज आप लोग सही ढंग से पढ़ लिए तो आप लोगों का जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। मित्रों ये जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड खास करके एनसीईआरटी मैथ के लिए दोस्तों, और जो परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी उनके लिए काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों आप सबों को जो पढ़ाई है दोस्तों कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।